तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनोक्स लाइफ साइंसेज कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहें। हाँ, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई प्योरिटी स्पेशलिटी केमिकल्स जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अभी ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो किस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल APIs मैन्युफैक्चरिंग में, उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन करने के लिए, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल बायो एप्लीकेशन बायोटेक एप्लीकेशन, उसके बाद एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड मेटल रिफाइनरीज, एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। अभी ये कंपनी 185 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ जाती है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स का आपको नाम बता देता हूँ, बाकी पूरा प्रोडक्ट लिस्ट आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखने जाए तो फॉस्फेट, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, उसके बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट, उसके बाद कार्बोनेट, उसके बाद EDTA एडिटिव्स, उसके बाद और भी यहाँ पर से अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये सभी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 20 कंट्रीज़ के अंदर। बाकी ये कंपनी ये सभी कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद अर्जेंटीना, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद बेल्जियम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना एंड और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। बाकी इस कंपनी के टोटल 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वडोदरा गुजरात में देखने को मिल जाता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी गुजरात में ही है जो मुंद्रा पोर्ट के करीब देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ साथ तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहावा सेवा करके जगह है, वहाँ पर इस कंपनी का तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखने को मिलती है 7,242 टन्स पर एनएम की। बाकी ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है और इनका पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट FSSC सर्टिफाइड भी देखने को मिल जाता है, जो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ये कंपनी 122 नए प्रोडक्ट्स निकालने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि कंपनी कोई एक जगह पर या कोई एक दो प्रोडक्ट के ऊपर रुक नहीं रही है, अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से कैसे एक्सपांड किया जाए, कैसे और कस्टमर्स को कैसे कैटर किया जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी का फोकस है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। बाकी इस कंपनी के कस्टमर बेस पिछले 3 साल के देखने जाओगे तो 592 कस्टमर्स देखने को मिल जाता है कंपनी के, और जिसमें से 592 कस्टमर्स में से 141 जो यहाँ पर कस्टमर है वो रिटर्न कस्टमर है, मतलब वापस से इनसे प्रोडक्ट परचेस किया है, मटेरियल परचेस किया है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि भाई रिकरिंग इनको रेवेन्यू भी आता है उसी कस्टमर से, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी इस कंपनी के साथ 212 एम्प्लॉयज जुड़े हुए नज़र आ जाते हैं। बाकी इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेंथ बताई है, जिसमें से पहले तो मेरे को इनकी प्रोडक्शन की जो लोकेशन है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वो यहाँ पर अच्छी लगी। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो देखने जाए सारी अमाउंट्स वो करोड्स में है। 2021-22 और 23 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने, नंबर ऑफ एसेट्स है वो 37.65 करोड़ रुपीज़ पर थे, जिसको बढ़ाकर कंपनी ने 54.03 करोड़ रुपीज़ पर ला दिए है। बाकी इस कंपनी के रेवेन्यू 63.24 करोड़ रुपीज़ से ऑलमोस्ट 97.50 करोड़ रुपीज़ पर आ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट है वो यहाँ पर 9.73 करोड़ रुपीज़ से ऑलमोस्ट 16.62 करोड़ रुपीज़ पर आ चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स में 15.56 करोड़ रुपीज़ है और कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, तो कंपनी डेट फ्री है, जो इस कंपनी को लेकर एक और इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी इस कंपनी का आईपीओ
लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स है वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, इसलिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, और कोई भी रीजन नहीं है आईपीओ लाने के पीछे का। और ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। बाकी से आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 3 जून से लेकर 5 जून तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 129 रुपए से लेकर 136 रुपए का देखने को मिल जाता है। एक लॉट में 110 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 130.15 करोड़ रुपीस का है, जिसमें सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। और कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी बीएससी के ऊपर होने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स का आप लोग नाम देख सकते हो। और बाकी से आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% का देखने को मिलता है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो कंपनी का आईपीओ 3 जून से लेकर 5 जून तक चलेगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 6 जून को देखने को मिलता है। 7 जून को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और 10 जून को ये सुबह 10 बजे कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 110 शेयर्स मिलेंगे और 14,960 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 99.98% की थी। आईपीओ आने के बाद 74.21% की प्रमोटर्स की होल्डिंग रहने वाली है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है वो 500 करोड़ रुपीस के आसपास रखा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 30 के आसपास रखा गया है। जो वैल्यूएशन वाइज कंपनी का आईपीओ ठीक नजर आ रहा है, रीजनेबल है। बाकी ये कंपनी के ऊपर कोई भी प्रकार का कर्जा नहीं है और कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है, तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नजर आ रहे हैं। बाकी से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन है वो 3 जून सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग sharemarketexpress.com के ऊपर आके आप लोग जरूर से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का डेटा देख पाओगे। बाकी इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 82 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं, और लिस्टिंग इन की बात करें तो 60% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मतलब इस कंपनी के आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया और अलॉटमेंट मिल गया तो आपको अराउंड 7 से 8 हजार रुपए के आसपास प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। बाकी यार एक चीज याद रखना, इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमारे जनरल इलेक्शन जो रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, वो रिजल्ट को देखने के बाद ही इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना। आईपीओ में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। बाकी मार्केट की कंडीशन में बहुत ही बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तो इसलिए आईपीओ में अप्लाई करने में जल्दबाजी मत करना। 4 जून को जो भी जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट के बेसिस के ऊपर इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, और अप्लाई करना है तो कितने लॉट अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको मैं जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोस में। तो यार इस आईपीओ को जरूर से वॉचलिस्ट में रखना। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो करने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसलिए मैं तो आपको यही चीज बोलूंगा, इस आईपीओ को वॉचलिस्ट में जरूर से रखना है। बाकी आईपीओ में अप्लाई करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।